जम्मू कश्मीर को लेकर लोकसभा में अमित शाह का बयान, जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य, कश्मीर में 99.5% बच्चों ने परीक्षा दी, जो सामान्य हालातों की तरफ इशारा करते हैं। तो कश्मीर में 370 हटने के बाद से एक भी गोली नहीं चली, नेताओं की हिरासत पर बोले अमित शाह। फारूक अब्दुल्ला के पिता को 11 साल जेल में रखा, ये बड़ी खबर। तो जम्मू कश्मीर के हालातों को सामान्य बताया अमित शाह ने लोकसभा में। जम्मू कश्मीर पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने बयान देते हुए कहा कि अब कश्मीर में हालात सामान्य हैं। तो लोकसभा में अमित शाह का जम्मू कश्मीर पर बयान, कहा गया था खून की नदियां बहेंगी लेकिन हालात सामान्य हैं, सभी पुलिस चौकियों से कर्फ्यू को हटाया गया है, कश्मीर में 99.5% बच्चों ने परीक्षा दी है, 370 हटने के बाद से एक भी गोली नहीं चली। कश्मीर में राम राज्य प्रतिष्ठा हो चुके हैं। मेरा सवाल यह है, हम अमित शाह जी है या उनसे जानना चाहते हैं, इसी सदन में आपने हमें वादा किया था कि जल्द से जल्द कश्मीर की हालत सामान्य हो जाएगी, उचित समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, नॉर्मलसी की मानक दंड क्या है मुझे पता नहीं, नॉर्मलसी की पैरामीटर क्या है? ट्रेडर कहते हैं 10,000 करोड़ रुपया हमें घाटा हो गए, हम 10,000 करोड़ रुपया हमें लॉस हो चुके हैं। एक मिनट सर, पूछ दीजिए कौन से ट्रेडर ने कहा, जरा बता देना। हाँ, पूछ दीजिए कौन से ट्रेडर ने कहा, बोल दीजिए। अन्य सदस्य बात होती है, सारे पॉलिटिकल लीडर को रियासत में ले लिया गया। मान्य सदस्य, आप यूरोप के एमपी आने का इजाजत है, हमारे देश की एमपी को जाने की इजाजत नहीं है, राहुल जी को जाने की इजाजत नहीं है, हमारी देश की एमपी को जाने की इजाजत नहीं है। आप कहते कि नॉर्मल। मान्य अध्यक्ष जी, जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति मैं नॉर्मल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ माननीय, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगह पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैं बताता हूं, किशन जी ने इतनी सारी चीजें बताई, परीक्षा के अंदर 99.5% उपस्थिति।